Mana Singhji, respected members of the dais, ladies, gentlemen, children, friends from the media. I think I shouldn't be saying much today because a real hero is in front of real heroes, and a real hero is always this little when it comes to the real hero. I've done over 130 films, but I think the only films that I've ever been remembered for, or I will ever be remembered for, is Border and LOC. जहाँ ऑक्सीजन नहीं थी तो हम ऐसे गिरते थे कि लाइक नाइन पिंस हम गिरा करते थे क्योंकि एक्लिमेटाइज हम कभी हो ही नहीं पाए. तो यू नो वो एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार हम कर क्या रहे जबकि दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर टुडे फॉर आवर बेटर टुमारो. सो आई थिंक हैट्स ऑफ. तो मुझे उस कैंप में जाने का मौका मिला. मुझे लेटर भेजा गया था कि जवान आपसे लड़के आपसे मिलना चाहते हैं. आई थिंक दैट वाज द वन डे व्हेन आई फेल्ट आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइफ. क्योंकि वहाँ बच्चे जवान हमारे पड़े हुए थे बिगर हाथ के बिगर पैर के, लेकिन जुनून वही था. और बार बार मुझे देख के कह रहे थे कि सर माँ शक्ति हमें मौका नहीं दे रहे वापस जाने का, वरना हम जाके दोबारा लड़ना चाहते. आई थिंक दैट इज द स्पिरिट ऑफ द इंडियन आर्मी. आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेंट्रल में डिफेंस मिनिस्ट्री उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसकी तरफ काम कर रहा है. कभी कभार क्या हो जाता है कि डाउन द लाइन क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुँचते पहुँचते वक्त लगता ही है. लेकिन आई थिंक आज जो अवेयरनेस देश में है जवानों की तरफ से या फौजियों की तरफ से, आई थिंक दैट इज़ एट इट्स पीक. वो जो प्यार है वो आई थिंक वो पीक पे है. और एक वो बहुत खुशी की बात है ये कि हम हमारे असली हीरोज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं देश भर. ये एक अल्टीमेट वार्निंग है इंडस्ट्री को कि एक हो जाओ, किसी के खिलाफ मत रहना आप लोग. उन्होंने जो किया वो भुगतेंगे और उनको अब पता भी चल रहा होगा क्योंकि राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब बड़े हुए हैं एज एक्टर्स. फ्रॉम अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू अतिथि देवो भव आई थिंक वहीं से आता है, यू नो. एंड ये एकाध किसी एसोसिएशन ने ये डिसीजन ले लिया, टू ईच इज ओन. लेकिन मेरा यही कहना है कि एज एन इंडस्ट्री लेट्स कम टुगेदर एज अ फैमिली एंड स्टैंड अप अगेंस्ट एनी थिंग that is against us as Indians. Of course khade hain, lekin wo is shock. I think agar mere sath bhi aisa hota to main ek shock mein rehta ki ye hua ki maine kiya kya hai jo mere upar aise log barse hue hain. So I don't think it is. Aur jaise ki maine kaha hum kisi ke khilaf nahi hai, hame ek hona bahut zaruri hai.